नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, ये हम लोगों की सॉरी हिस्ट्री की क्लास होती है, अर्थात इतिहास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग पर डे क्लास को करने का काम करते हैं। किसके लिए? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हम लोग प्रत्येक दिन इस क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो ये कि हम लोगों की किसकी क्लास होती है, ये हम लोगों की साथियों हिस्ट्री की क्लास हुआ करती है। किसकी क्लास? हिस्ट्री की क्लास हुआ करती है, जिसे साथियों हम लोग लगभग परंपरागत तरीके से पर डे करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, जो कि आपको यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए, किसके लिए? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कितना साथियों? काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये साथियों हिस्ट्री की हम लोगों की पाँचवीं क्लास है। कौन सी? हिस्ट्री की आज ये हम लोगों की पाँचवीं क्लास है। ठीक साथियों, साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आपके ही अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास, साथ ही साथ हिंदी की भी क्लास आप लोगों को पर डे दी जाती है। बाल विकास में साथियों लगभग तीन चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं, और उन सभी तीनों चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन भी हम वहाँ पर करवाने का काम किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या तो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ हिंदी के भी काफ़ी चैप्टर, काफ़ी टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। लगभग 15-20 दिन में हिंदी भी समाप्त होने वाली है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, और रही बात सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान के दो दो जो है सब्जेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, जो कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के दोनों सब्जेक्ट शुरू किए गए हैं, उन्हें भी हम लोग जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो साथियों हिस्ट्री की क्लास में हम लोग कर रहे थे कि मानव का जो प्रारंभिक जीवन है या प्रारंभिक समाज है, वो प्रारंभिक स्थान से अर्थात मानव जाति से नगर तक, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगरीय क्षेत्र तक किस प्रकार से पहुंचा, कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ग्रामीण शहरी क्षेत्र तक मानव का विकास, मानव जाति का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक साथियों, जिसमें हम लोग पाषाण काल को पढ़ने का काम किए थे। किसे? पाषाण काल को भी पढ़े, मध्य पाषाण काल को भी हम लोगों ने पढ़ा, साथ ही साथ नव पाषाण काल को भी हम लोगों ने पढ़ने का काम किया, और कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो थे साथियों उन्हें भी हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। आज की क्लास में साथियों हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं, और उन स्थलों से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पुरा स्थल से किस प्रकार का अवशेष प्राप्त हुआ, या आपसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे दिया कि भीम बेटका पुरा स्थल से निम्न में से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ। ठीक साथियों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आज की क्लास में हम लोग उसी को करने का काम करेंगे। चैप्टर हमारा है कि प्रारंभिक समाज से नगरीय क्षेत्र तक, क्या है चैप्टर है हमारा? प्रारंभिक समाज से नगर तक मानव किस प्रकार से पहुंचा, या मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक साथियों, तो आज की क्लास में साथियों हम लोग करेंगे, ये हम लोगों का हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर है। कौन सा है? तीसरा चैप्टर हिस्ट्री में आज ये हम लोगों का है साथियों। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, तो इससे पहले सब हम लोगों ने पहले चैप्टर में जाना, सॉरी दूसरा चैप्टर है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि इतिहास कैसे जाना जाता है, इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा चैप्टर ये जो है कि मानव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कि मानव का विकास नगरीय क्षेत्र तक किस प्रकार से हुआ। ठीक, प्रारंभिक जीवन से लेकर नगरीय क्षेत्र तक के मानव के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा हम लोगों का पूरा महत्वपूर्ण पूरा स्थल। यहाँ हम लोग लिख लेंगे, आप टेबल टाइप का बनाइए जिससे कि पढ़ने में आपको आसानी हो। एक टेबल टाइप का बना लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ महत्वपूर्ण पूरा स्थल, महत्वपूर्ण पूरा स्थल
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष। ठीक साथियों, ये हम लोगों का टेबल होगा। साथियों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पुरापाषाण कालीन पुरास्थल कौन से थे। पहले नंबर पे जानेंगे कि पुरापाषाण कालीन, पुरापाषाण कालीन पुरास्थल कौन से थे, पुरास्थल के बारे में जानेंगे। पुरापाषाण कालीन पुरास्थल के बारे में जानेंगे और उन स्थलों से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। ठीक साथियों, तो सबसे पहला पुरापाषाण कालीन पुरास्थल है साथियों, जिसका नाम है कुरनूल गुफा। क्या नाम है? कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफाएं, जो कि साथियों वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में। वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक साथियों, ये हमारा क्या है? पूरा स्थल है और हम लोग अवशेष को इस साइड लिखेंगे। ये हमारा पूरा स्थल है और अवशेष इस पूरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ हम लोग इस साइड, इसके अपोजिट साइड में लिखने का काम करेंगे। तो साथियों यहाँ से क्या कुरनूल की गुफाएं जो हैं, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में हैं, यहाँ से साथियों राख के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? राख के अवशेष, राख के अवशेष यहां से प्राप्त हुए। ठीक साथियों, अगला पूरा स्थल है जिसका नाम है हुसगी। अगला पूरा स्थल है जिसका नाम है हुसगी। क्या नाम है साथियों? हुसगी, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है। कहाँ है? वर्तमान के कर्नाटक में है। ठीक साथियों, अब अगर बात करें साथियों, तो यहाँ से आवासीय उद्योग स्थल, यहाँ से अगर अवशेष की बात करें तो यहाँ अवशेष प्राप्त हुआ आवासीय उद्योग स्थल, उद्योग स्थल। साथ ही साथ साथियों चूना पत्थरों के औजार, किसके? चूना पत्थरों से बने हुए औजार, क्लास बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इस सारी चीजों को आप लोग टेबल के बाद अपनी नोटबुक में एक एक चीज लिखिएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका सिलेबस पूरा नहीं करवाया जाएगा। सलेबस को जो सब्जेक्ट मैं शुरू किया हूँ उसे पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मुझे दो दो तीन तीन घंटे की ही क्यों ना मैराथन क्लास लेनी पड़े। ठीक, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ आपके लिए, ये जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तब उसके बाद जानेंगे, अभी नहीं जान सकते। क्योंकि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति या कोई भी हो, शुरुआत में ही हर कोई हर किसी को नहीं जान सकता। ठीक, तो आप लोग बस ये मान के चलिए कि मैं आपसे जो वादा किया हूँ उसके लिए मैं हमेशा कटिबद्ध रहूँगा। बस एक लाइन में इतना जानिए, बाकी तो चीज़ें दिन प्रतिदिन आप जुड़े रहेंगे तो चीज़ें खुद ही समझ जाएंगे। ठीक, मेरे बारे में आप खुद जानेंगे कि मैं आपको जो जवान अगर दे दिया तो दे दिया, नहीं तो सारी बातें मैं स्पष्ट रूप से शुरू में ही बता देता हूँ। ठीक, तो साथियों जो हुसगी पुरा स्थल है, क्या है? हुसगी पुरा स्थल, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहाँ से आवासीय उद्योग स्थल के अवशेष प्राप्त हुए। साथ ही साथ चूना पत्थरों से बने हुए औजार हथियार भी प्राप्त किए गए हैं। ठीक साथियों, पुरापाषाण कालीन पुरा स्थल की बात करें तो एक होता है भीम बेटका। क्या होता है? एक पुरा स्थल है जिसका नाम है भीम बेटका, भीम बेटका, जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में है साथियों। कहाँ? वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक साथियों, अब हम बात करें अगर, तो यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुआ, तो यहाँ साथियों आवासीय प्राकृतिक गुफाएं, आवासीय जिसे हम लोग प्राकृतिक
प्रकृति की बनी हुई प्राकृतिक गुफाएं, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवासीय शैलाश्रम प्राप्त हुआ। क्या? आवासीय शैलाश्रम, आवासीय शैलाश्रम प्राप्त हुआ। साथियों भीम बेटका पूरा स्थल जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ से आवासीय शैलाश्रम प्राप्त हुआ, अर्थात प्राकृतिक गुफाओं के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्रकृति की बनी हुई गुफाएं। ठीक साथियों, अब हम लोग साथियों महापाषाणकालीन पूरा स्थल के बारे में जानेंगे। कहाँ गए? महापाषाणकालीन पूरा स्थल, महापाषाणकालीन पूरा स्थल की अगर बात करें साथियों, हम लोग पूरा पाषाणकालीन पूरा स्थल के बारे में जाना, कौन कौन कुरनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है जहां से राख के अवशेष प्राप्त हुए, हुसगी पूरा स्थल के बारे में जाना जो कि वर्तमान के कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहां से आवासीय उद्योग स्थल, साथ ही साथ चूना पत्थरों के बने हुए औजार या हथियार प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथियों तीसरा हम लोगों ने जाना भीमबेटका पूरा स्थल। कौन सा? भीमबेटका, जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ से साथियों आवासीय शैलाश्रम प्राप्त हुआ, अर्थात प्राकृतिक गुफाएँ, प्रकृति की बनी हुई गुफाओं के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर अब हम लोग साथियों महापाषाणकालीन पुरास्थल के बारे में जानेंगे। कहाँ के? महापाषाणकालीन पुरास्थल के बारे में जानेंगे। तो साथियों महापाषाणकालीन पुरास्थल की बात करें तो पहले नंबर पर आता है नहर सराय और महागढ़ा। नहर सराय और महागढ़ा क्या है? नहर सराय और महागढ़ा जो कि इलाहाबाद अर्थात वर्तमान में प्रयागराज, इलाहाबाद में, वर्तमान के इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ साथियों? जो हमारा नहर सराय और या महागढ़ा पूरा स्थल है यह वर्तमान के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से साथियों स्तंभ गर्त के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके? स्तंभ गर्त के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके? स्तंभ गर्त के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से साथियों? नहर सराय और महागढ़ा जो कि वर्तमान के इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ से साथियों स्तंभ गर्त के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अगले पुरास्थल की बात करें साथियों तो विंध्य क्षेत्र और भीमबेटका। क्या है? अगला पुरास्थल जो महापाषाणकालीन पुरास्थल होगा वो क्या है? विंध्य क्षेत्र और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। यहाँ से साथियों अगर अवशेष की बात करें तो यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? प्रागैतिहासिक शैल चित्र, प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन सारी ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग नोट नहीं करेंगे तो आप समझिए। अगली बात करेंगे हम लोग साथियों नवपाषाणकालीन पूरा स्थल के बारे में। ये हम लोग महापाषाणकालीन पूरा स्थल जो कि दो थे इनके बारे में हम लोगों ने जाना, जहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे और एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे साथियों जो नवपाषाणकालीन पूरा स्थल होगा। क्या होगा? नवपाषाणकालीन पूरा स्थल, नवपाषाणकालीन पूरा स्थल। यहाँ के बारे में अगर बात करें साथियों तो यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ पूर्व महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जहाँ से कि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला है साथियों पय्यमपल्ली। क्या है? पय्यमपल्ली, क्या है?
पयम पल्ली पूरा स्थल जो है साथियों, यह वर्तमान के तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ? वर्तमान के तमिलनाडु में, वर्तमान के तमिलनाडु में है साथियों। यहाँ से कहाँ से पयम पल्ली पूरा स्थल से अगर अवशेष की बात करें साथियों, तो यहाँ सुअर एवं ज्वार बाजरा, सुअर एवं ज्वार बाजरा और सुअर एवं ज्वार बाजरा और काला चना, क्या मिला साथियों? काला चना के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पयमपल्ली पुरातात्विक स्थल साथियों जो है, कैसा पूरा स्थल है, जो कि नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है। यहाँ से साथियों सुअर के अवशेष, ज्वार बाजरा के अवशेष, साथ ही साथ काले चने का अवशेष प्राप्त हुआ है। किसका? काले चने का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक साथियों, अगला है साथियों पुरातात्विक स्थल, पूरा स्थल की बात करें तो जिसका नाम है कोलडीहवा। क्या है? कोलडीहवा। कोलडीहवा पूरा स्थल है जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश राज्य में है साथियों। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कोलडीहवा की बात करें साथियों, जो पूरा स्थल है, यहाँ से चावल, जानवरों की हड्डी के टुकड़े, टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या? चावल का अवशेष, साथ ही साथ जानवरों के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल के साथ ही साथ जानवरों के टुकड़ों के अवशेष। जानवरों के टुकड़ों के क्या सॉरी जानवरों के हड्डी के टुकड़े सॉरी जानवरों के हड्डी जानवर के जानवरों के हड्डियों के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, कोलडीहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह भी एक पूरा स्थल है जहां से साथियों चावल का अवशेष प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ जानवरों के हड्डी के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अगली बात अगर कर रहे हैं हम लोग साथियों, तो अगला आता है महागढ़ा। क्या आता है? अगला पूरा स्थल है जिसका नाम है महागढ़ा। महागढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक साथियों, यह साथियों अगर बात करें यह स्थल से, इस स्थल से क्या चावल व मवेशी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? यहाँ से भी चावल और मवेशी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि साथियों मिट्टी पे खुर के निशान प्राप्त हुए थे। मिट्टी पर खुर के निशान प्राप्त हुए, यहाँ लिख देता हूँ, मिट्टी पर जानवरों के खुर के निशान। अगर आप लोग खुर नहीं जानते होंगे साथियों, तो जो गाय भैंस भैंस होते हैं, उनके पैरों का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो कि हड्डी के जैसा होता है, लेकिन हड्डी जहाँ तक है कि हड्डी नहीं होता, ठीक, ये साथियों निशान होगा। तो हड्डी नहीं होता, जानवरों के खुर के निशान, खुर के जो साथियों खुर जो है वो जानवरों के जो पैरों के सबसे नीचे वाला भाग होता है, सबसे नीचे वाला भाग जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को खुर कहते हैं। साथियों महागढ़ा पूरा स्थल की बात करें तो यहाँ से चावल और मवेशी के क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अगली हम लोग बात करेंगे दाओजली हेडिंग की, जो कि मेघालय में स्थित है, वर्तमान के मेघालय में। दाओजली हेडिंग पूरा स्थल, ये हम दोनों को मिटा रहे हैं। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, इसे हम मिटा रहे हैं।
अगली बात करेंगे, अगला चौथा नंबर होगा, इसी का चौथा नंबर है साथियों, नवपाषाण कालीन पुरास्थल की ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं। महागढ़ा के बाद आता है दाओजली हेडिंग, दाओजली हेडिंग जो कि वर्तमान के मेघालय में स्थित है। कहाँ? वर्तमान के मेघालय में स्थित है साथियों। यहाँ से प्राप्त अवशेषों की बात करें तो यहाँ से साथियों किसके अवशेष? खरल व मूसल के। किसके? खरल व मूसल। खरल व मूसल। साथ ही साथ साथियों बात करें तो जेडाइट पत्थर जेडाइट पत्थर वह साथियों, और बात करें कांठास में भी प्राप्त हुआ है। कांठास में भी प्राप्त हुआ है साथियों। जो दाओजली हेडिंग है, पुरातत्व पुरा स्थल है जो कि वर्तमान के मेघालय में स्थित है, यहाँ से साथियों खरल व मूसल साथ ही साथ जेडाइट पत्थर व कांठास्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? कांठास्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अगला पुरातत्व स्थल सॉरी अगला पूरा स्थल है साथियों जिसका नाम है चिरांद। क्या नाम है? चिरांद। पूरा स्थल है जिसका नाम है चिरांद, जो कि साथियों क्या, जो कि आधुनिक बिहार में स्थित है। कहाँ? आधुनिक बिहार में स्थित है। चिरांद एक पूरा स्थल है जो कि आधुनिक बिहार में स्थित है साथियों। यहाँ से अगर अवशेष की बात करें तो हरा चना हिरण के सींग से बने उपकरण। क्या? हरा चना और हिरण के सींग से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए। हिरण के सींग से बने उपकरण चिरांद पूरा स्थल है जो कि आधुनिक बिहार में है। यहाँ से साथियों हरे चने का अवशेष प्राप्त हुआ, साथ ही साथ हिरण के सींग से बने हुए उपकरणों का भी क्या, अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक साथियों, अगला पूरा स्थल है इसी में साथियों नवपाषाण कालीन में ही है जिसका नाम है बुर्ज होम व गुफक्राल। क्या नाम है? बुर्ज होम व गुफक्राल जो कि कश्मीर में है। बुर्ज होम व एक सेकेंड बुर्ज होम व गुफक्राल जो कि कश्मीर में है साथियों। कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। यहाँ से अगर अवशेषों की बात करें तो यहाँ से साथियों गर्तवास अर्थात गड्ढे के नीचे घर, गर्तवास अर्थात जमीन में वास करने वाले, गर्तवास अर्थात गड्ढे के नीचे बने घर, गड्ढे के नीचे बने घर। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ से मृद भांड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके साथियों? मृद भांड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम या तो फिर साथियों हम लोग गुफराल भी कह सकते हैं। बुर्ज होम या तो गुफराल ये पूरा स्थल है जो कि वर्तमान के कश्मीर में स्थित है। यहाँ से साथियों गर्तवास अर्थात गर्त में वास करने वाला
अर्थात गड्ढों के नीचे बने हुए घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ साथियों यहाँ से मृदभांड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? मृदभांड के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अब अगली बात करेंगे हम लोग साथियों महापाषाण कालीन पुरास्थल। किसकी? चौथे नंबर पे अब हम लोग बात करेंगे महापाषाण कालीन पुरास्थल की बात करेंगे। महापाषाण कालीन पुरास्थल, ठीक साथियों, महापाषाण कालीन पुरास्थल की बात करें अगर साथियों, तो यहां के साथियों कुछ पुरास्थल हैं, जैसे पहला है ब्रह्मगिरी जो कि वर्तमान के कर्नाटक में है। क्या है? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो कि वर्तमान के कहाँ है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी है साथियों जो कि वर्तमान के कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से अगर अवशेष की बात करें साथियों तो यहाँ सोने के मनके प्राप्त हुए हैं। सोने के मनके, सॉरी, सोने के मनके साथ ही साथ शंख भी प्राप्त हुआ है। शंख और इसी में एक चीज और साथियों, क्या? कलश। शंख व कलश, और अगर बात करें तो सवाधान, सवा धान के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ के? सोने के मन के, शंख और कलश, साथ ही साथ सवाधान के अवशेष कहाँ से? ब्रह्मगिरी जो कि वर्तमान के कर्नाटक का क्या है? पूरा स्थल है। ठीक साथियों, यहाँ से यह अवशेष प्राप्त हुआ। अगले अवशेष की बात करें साथियों तो आदि चन्नलूर, आदि चन्नलूर एक पूरा स्थल है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। आदि चन्न आदि चन्नलूर जो कि कहाँ? पश्चिमी भारत में स्थित, सॉरी दक्षिणी भारत का हिस्सा है, दक्षिण भारत में स्थित है साथियों। यह एक पूरा स्थल है। क्या नाम है? आदि चन्नलूर। यह एक पूरा स्थल है जहाँ से साथियों अगर बात करें तो यहाँ जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान, यहाँ के अवशेष की बात करें तो जानवरों की हड्डियों पर, जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान और अगर बात करें साथियों मटर व तिल के बीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? मटर व तिल के बीज। किसके साथियों? मटर व तिल के बीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आदि चन्नलूर जो कि दक्षिण भारत में एक पूरा स्थल है, यहाँ से प्राप्त अवशेष जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान, साथ ही साथ मटर व तिल के बीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला और अंतिम है साथियों जो कि आरंभिक गांव है। क्या है? आरंभिक गांव। क्या है? आरंभिक गांव। आरंभिक गांव है साथियों, यहाँ का एक पूरा स्थल है साथियों जिसका नाम है इनाम गांव। क्या नाम है? इनाम गांव।
इनाम गांव यहाँ का नाम है साथियों, जो कि साथियों यहाँ के अगर अवशेष की बात करूँ तो यहाँ महापाषाण कब्र का अवशेष प्राप्त हुआ है। महापाषाण कब्र का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसमें साथियों इस कब्र में अगर बात करें तो इस कब्र में सिर जो था, व्यक्ति का जो सिर था वह सिर उत्तर की ओर था। क्या था? सिर किधर था साथियों? इस कब्र में जो इस व्यक्ति को दफनाया गया था उसका सिर साथियों किधर था? सिर उत्तर की ओर था। सिर उत्तर की ओर, सिर उत्तर की ओर। जो आरंभिक गांव स्थल है साथियों, इस स्थल का पूरा स्थल है जिसका नाम है इनाम गांव। इनाम गांव से साथियों अगर प्राप्त अवशेष की बात करें तो यहाँ से साथियों महापाषाण काल महापाषाण कब्र का अवशेष प्राप्त हुआ है। किसका? महापाषाण कब्र का अवशेष प्राप्त हुआ है। और इस कब्र में साथियों जिस व्यक्ति को दफनाया गया था, इस कब्र में जिस व्यक्ति को दफनाया गया था उसका सिर साथियों किधर था? उसका सिर उत्तर की ओर था। ठीक साथियों, उसका सिर किधर था? उत्तर की ओर था। ठीक साथियों, अब साथियों हम लोग बात करेंगे, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पुरास्थल थे और उन पुरास्थलों से प्राप्त अवशेष थे जो कि एग्जामिनर बार बार किसी भी एग्जाम में पूछने का काम करता है। ठीक साथियों, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ताम्रपाषाण काल। अब हम लोग साथियों इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक? नोट नहीं किए होंगे तो आपको नोट कर लेना चाहिए, एग्जामिनर कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये आपको हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, लेकिन यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्जाम को तो टारगेट करके पढ़ाया ही जा रहा है। ठीक, तो कि अक्सर मैं देखा हूँ कि एग्जामों में पहुँचते हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही पेपर का एनालिसिस नहीं करता, कई पेपरों का एनालिसिस मैं करता रहता हूँ। ठीक साथियों, इसलिए मैं आपसे कह दिया ये बात। अब हम लोग साथियों पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे। ताम्रपाषाण काल ऐसे लिखते हैं। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की अगर बात करें साथियों तो मानव जीवन में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह तांबा था। कब? ताम्रपाषाण काल में ही। ताम्रपाषाण काल में ही साथियों मानव जीवन में सर्वप्रथम किसी धातु का प्रयोग किया गया था। ताम्रपाषाण काल में ही साथियों मानव जीवन में सर्वप्रथम इस पाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में साथियों मानव जीवन में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था, नोट करते जाइएगा, जिस धातु का प्रयोग किया गया था जिस धातु का प्रयोग किया गया था वह धातु तांबा थी। कौन सी? वह धातु तांबा थी। लगभग साथियों 5000 ईसा पूर्व, कब? 5000 ईसा पूर्व में इस धातु का प्रयोग किया गया था। कब? 5000 ईसा पूर्व में इस धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों तो यहाँ के कुछ औजार और उपकरण ताम्रपाषाण कालीन
कुछ औजार या उपकरण की बात करें, किसके औजार या उपकरण, तो यहाँ के कुछ अगर औजार और उपकरण की बात करें साथियों, तो औजार और उपकरण यहाँ के क्या हैं, फलक फलकियाँ यहाँ के मुख्य औजार थे, फलक फलकियाँ यहाँ के क्या मुख्य औजार थे, ये सभी साथियों ये भी लिख दे रहा हूँ, मुख्य औजार क्या थे, मुख्य औजार हुआ करते थे साथियों। साथ ही साथ साथियों हल व फावड़ा नहीं मिलता था इस दौरान, क्या नहीं मिला, हल और फावड़ा, हल और फावड़ा नहीं मिला। और अगर बात करें साथियों तो लोग संतियों के सहारे केवल झूम कृषि ही कर पाते थे, किसके संतियों के सहारे, इस दौरान ताम्रपाषाण काल में साथियों लोग संतियों के सहारे केवल झूम खेती ही कर पाते थे, झूम कृषि ही कर पाने में सक्षम थे या कर पाते थे, कौन सी खेती साथियों, झूम खेती ही कर पाने में सक्षम थे। और अगर साथियों ताम्रपाषाण कालीन कुछ अगर प्रमुख स्थल की बात करें, तो इसके मुख्य स्थल की अगर बात करें साथियों, तो इसके कुछ मुख्य स्थल हैं जो कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, प्रमुख स्थल में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार, कौन, बिहार, और साथियों आज भी कर सकते हैं, ये प्रमुख जो है क्या नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल थे, ठीक साथियों। अब साथियों अगर बात करें तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी साथियों, क्या थी, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन कुछ संस्कृति की अगर बात करें साथियों, तो आहाड़ संस्कृति, कौन सी, आहाड़ संस्कृति, साथ ही साथ और बात करें साथियों कायथ संस्कृति, कायथ संस्कृति और मालवा संस्कृति, कौन सी, मालवा संस्कृति, ये साथियों ताम्रपाषाण कालीन कुछ संस्कृति थी, कौन सी, ताम्रपाषाण कालीन कुछ संस्कृति, जो आहार संस्कृति, कायथ संस्कृति और मालवा संस्कृति, ये सभी साथियों कैसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थीं। साथियों अगर बात करें तो आहाड़ का पुराना नाम ताम्बवती यानी तांबे वाली जगह, आहाड़ जो संस्कृति है साथियों, आहाड़ संस्कृति का पुराना नाम, आहाड़ का पुराना नाम ताम्रवती था, क्या था साथियों, ताम्बवती, ताम्बवती, ये साथियों जो है ताम्बवती यह आहाड़ का क्या है पुराना नाम है, ठीक, यानी तांबे वाली जगह, जिसका मतलब है तांबे वाली जगह, क्या है, तांबे वाली जगह इसका मतलब है, ठीक साथियों। और यहाँ पर साथियों काले लाल रंग के मृदभांड का प्रयोग होता था, ये जो साथियों ताम्बवती था यहाँ पर काले लाल रंग के, काले लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था, किसका साथियों, मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था, मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था,
यहाँ पर साथियों काले लाल रंग के किसके मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था, कहाँ? तांबवती स्थल जो था, ठीक साथियों। अर्थात तांबवती का मतलब क्या हुआ? तांबे वाली जगह, ठीक साथियों। अब हम लोग बात करेंगे साथियों आरंभिक नगर की चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे साथियों, ठीक, क्या कर लिए होंगे आप लोग, ये सारी चीज़ें नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा साथियों, चर्चा करेंगे किसके, आरंभिक नगर की चर्चा करेंगे, हड़प्पा के, हड़प्पा कालीन आरंभिक नगर, या चलिए आप लोग नोट करिए, मैं नीचे लिखता हूँ आरंभिक नगर, आरंभिक नगर हड़प्पा। सबसे पहले साथियों हम लोग खोज की बात करेंगे, किसका? सबसे पहले हम लोग खोज की बात करेंगे। साथियों आधुनिक पाकिस्तान में आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रांत में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इस काम में जुटे इंजीनियरों को हड़प्पा पुरा स्थल प्राप्त हुआ। हड़प्पा पुरा स्थल की खोज कैसे हुई आपको पता है? हड़प्पा पुरा स्थल की खोज साथियों, जो आधुनिक भारत है, आधुनिक पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान में साथियों लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रांत में, आधुनिक पाकिस्तान में लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रांत में, कहाँ साथियों? पंजाब प्रांत में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब? जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस दौरान साथियों काम में जितने भी इंजीनियर जुटे थे, काम में जुटे थे, उन इंजीनियरों को क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा पुरा स्थल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ साथियों? हड़प्पा पुरा स्थल प्राप्त हुआ। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन बिछाई जाते समय आधुनिक पाकिस्तान के आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रांत में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब इस काम में जुटे इंजीनियरों को बिछाई जा रही थी तो उसी दौरान साथियों जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस काम में जो इंजीनियर जुटे हुए थे साथियों, उन इंजीनियरों को उसी समय हड़प्पा नगर या हड़प्पा क्या, हड़प्पा पुरा स्थल प्राप्त हुआ था, ठीक साथियों। अगली बात करें साथियों तो उसके बाद 1921 ईस्वी में पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढा और बताया कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। 1921 ईस्वी में साथियों जो पुरातत्वविदों ने जब इस शहर को खोजा और ढूंढा तो उन्होंने बताया साथियों कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से ये जो हड़प्पा शहर है, क्या है? हड़प्पा पुरा स्थल है या सबसे पुराना स्थल है, ठीक साथियों। साथियों कारण क्या था कि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसका कारण क्या था कि सबसे पुराना स्थल इसलिए बताया गया कि इस नगर की खोज क्या हुई, सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलती हैं उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण साथियों 4700 साल पहले हुआ था। ये जो सभी शहर प्राप्त हुए जब हड़प्पा काले हड़प्पा
पुरास्थल की खोज हुई, तो उसके बाद जितने भी शहर मिले, उसके बाद जितने शहर मिले साथियों, उन सभी शहरों को हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। उसका कारण क्या था कि सबसे पुराने और सबसे पहले किसका, हड़प्पा पुरास्थल की खोज होने के कारण। ठीक साथियों, साथियों हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है जिसे आदि इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ ये चीजें नोट करने वाली चीज है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन कैसी, एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक साथियों, जिसे आदि इतिहास के अंतर्गत माना जाता है, यह कांस्य युगीन सभ्यता है, यह आदि इतिहास में बताया गया है, जिसे आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत, आज इतिहास के अंतर्गत। ये जो साथियों हड़प्पा सभ्यता है, यह कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और यह कांस्य युगीन सभ्यता है, यह बात कहाँ बताई गई, आद्य इतिहास में बताई गई, कहाँ, आद्य इतिहास में यह बात बताई गई। ठीक साथियों, साथियों जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया, जो ये कांस्य युगीन सभ्यता है जो जिसे आद्य इतिहास में बताया गया। साथियों कांस्य युगीन सभ्यता जो है, जिसे आज इतिहास में बताया गया, इस सभ्यता को सर्वप्रथम साथियों सिंधु सभ्यता किसने कहा, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम कांस्य युगीन सभ्यता को क्या कहा, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना, या सिंधु सभ्यता नाम दिया। हम लोग यहां लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम ऊपर लिखते हैं, नीचे फिर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम अगली जानकारी है, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम कांस्य युगीन सभ्यता को क्या कहा, सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक साथियों, ये जो हमारे जॉन मार्शल जी हैं, ये जॉन मार्शल जी कांस्ययुगीन सभ्यता को सर्वप्रथम क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक साथियों, कैसी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक साथियों, अगली बात अगर हम करें साथियों, तो यह सभ्यता जो है कौन सी, सिंधु सभ्यता जो है, यह सभ्यता दजला फरात और नील घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये जो सिंधु सभ्यता है साथियों, यह दजला फरात कौन सी, दजला फरात और नील घाटी सभ्यता की समकालीन है। क्या है, दजला फरात और नील घाटी सभ्यता के
समकालीन सिंधु सभ्यता है। ठीक साथियों, अब अगली बात करेंगे हम लोग काल निर्धारण की। अगली बात किसकी करेंगे, ये जो आरंभिक सॉरी हड़प्पा सभ्यता है साथियों, इसकी काल निर्धारण की बात करेंगे। काल निर्धारण की अगर बात करें साथियों, तो रेडियो कार्बन 40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि साथियों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना गया, जो सर्वाधिक मान्य है। साथियों, हड़प्पा सभ्यता की तिथि अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता की तिथि पच्चीस सौ ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। 1750 ईसा पूर्व माना गया, जो सर्वाधिक मान्य है। ठीक साथियों, ये जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है कौन सा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यही समय काल जो इसका है साथियों, इसी को हम लोग सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तिथि को या काल निर्धारण की बात मानते हैं। अब इसके अगर विस्तार की बात करें साथियों, किसके, हड़प्पा सभ्यता के अगर विस्तार की बात करें तो हम लोग लिखेंगे विस्तार, अगला टॉपिक होगा हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार। तो साथियों, अगर इसके विस्तार की बात करें तो अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। ठीक साथियों, कहाँ कहाँ पाए जा चुके हैं अब तक इस सभ्यता के अवशेष की बात करें साथियों, अब तक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की बात करें साथियों, तो इसके अवशेष जो प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं, और अगर भारत की बात करें, भारत में पंजाब कहाँ कहाँ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ साथियों जम्मू कश्मीर, और अगर बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र, हड़प्पा सभ्यता के अगर साथियों विस्तार की बात करें तो अभी तक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पाए गए हैं, और साथियों पाकिस्तान के बाद अगर भारत में बात करें तो भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष
पाए गए हैं। ठीक साथियों, अगली बात करें तो सर्वाधिक साथियों पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेडोर जो कि बलूचिस्तान में है वहाँ से इसके अवशेष प्राप्त किए गए हैं। साथियों अगर इसके सर्वाधिक अवशेष की बात करें तो कहाँ, पश्चिमी पुरास्थल, पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेडोर, सुतका गेडोर जो कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ, बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अगर सर्वाधिक अवशेष की बात करें तो सर्वाधिक अवशेष पश्चिमी पुरास्थल के सुतका गेडोर जो कि पूरा सॉरी बलूचिस्तान में स्थित है वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक साथियों, अगर इसी में अगली बात करें तो साथियों पूर्वी पुरास्थल जो कि आलमगिरी मेरठ में है और उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू में है। पूर्वी पुरास्थल की अगर बात करें तो पूर्वी पुरास्थल के अंतर्गत आता है, पूर्वी पुरास्थल कहाँ है, आलमगीर मेरठ साथ ही साथ साथियों उत्तरी पुरास्थल मांडा, उत्तरी पुरास्थल क्या है, उत्तरी पुरास्थल मांडा जो कि जम्मू में है, कहाँ है, जम्मू में है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर साथियों तो दक्षिणी पुरास्थल दमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है इसके आकार की बात करें साथियों तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। दक्षिणी पुरास्थल की बात करें तो दमाबाद, दक्षिणी पुरास्थल के अंतर्गत साथियों आता है, क्या आता है, दमाबाद, दमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक साथियों, दक्षिणी पुरास्थल जो कि दमाबाद में है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अगर आकार की बात करें तो साथियों इसका आकार कैसा है, आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार इसका क्या है, आकार है। ठीक साथियों, किसका, दमाबाद में जो दक्षिणी पुरास्थल है दमाबाद इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगली बात करें साथियों, इसी त्रिभुजाकार क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है, यह साथियों जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है यह कितना, 13 लाख, कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका आकार जो त्रिभुजाकार है कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ठीक साथियों, हम लोग विस्तार की बात किए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है तो पाकिस्तान में है, भारत की बात हम लोग कर लिए, पंजाब सिंध बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर पश्चिमी महाराष्ट्र में पाया गया है। साथियों हम लोग पश्चिमी पुरास्थल की बात करें जो कि बलूचिस्तान में स्थित है सुतका गेडोर, हम लोग पूर्वी पुरास्थल की बात करें मेरठ में जो स्थित है जो आलमगिरी के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, और अगर साथियों उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो जम्मू में मांडा जगह पुरास्थल है। दक्षिणी पुरास्थल की बात करें साथियों तो महाराष्ट्र के दैमाबाद में पुरास्थल है जिसका आकार साथियों त्रिभुजाकार है और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका त्रिभुजाकार आकार है। ठीक साथियों, अब हम लोग साथियों किसकी बात करेंगे, हड़प्पा की बात करेंगे, किसकी, अब हम लोग हड़प्पा की कुछ बातें कर लेते हैं। हड़प्पा की अगर बात करें साथियों तो हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना गया। साथियों हड़प्पा में दो टीले प्राप्त हुए, हड़प्पा में साथियों दो टीले प्राप्त हुए
जिसे साथियों पूर्वी टीले को नगर कहा गया, नगर टीला, तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना गया। हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए, हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए। पहले टीले को साथियों सॉरी पूर्वी टीले को नगर टीला पूर्वी टीले को नगर टीला साथ ही साथ साथियों जो दक्षिण में है कहाँ सॉरी पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना गया। पश्चिमी टीले को पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना गया। हड़प्पा में साथियों हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए, ठीक। वहाँ से साथियों जो पहला टीला था जो पूर्वी टीले को नगर टीला और जो पश्चिमी टीला था उसे साथियों दुर्ग टीला के नाम से जाना गया। कुछ और इसी में बातें करते हैं साथियों, कुछ और जानकारी लेते हैं। इसके अंतर्गत और जानकारी की बात करें साथियों तो हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा स्थान है अथवा कब्रिस्तान है साथियों जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में हड़प्पा के सामान्य हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है। दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है। क्या है साथियों एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा के साथियों सामान्य आवास क्षेत्र की बात करें तो सामान्य आवास क्षेत्र में एक कब्रिस्तान स्थित है। क्या है कब्रिस्तान स्थित है। इस कब्रिस्तान को साथियों समाधि R37 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया समाधि R37 नाम दिया गया। साथियों हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिसकी पहचान कर्मचारियों के आवास दस्तकारी के मंच और अन्नागार से की गई है। हड़प्पा में कुछ किले प्राप्त हुए हैं, कुछ किले प्राप्त हुए हैं जिसकी पहचान अन्नागार का मतलब हुआ, अन्ना हजारे को मत समझिएगा, अन्नागार का मतलब यह हुआ कि जहाँ अन्न रखा जाता है, अन्न को जहाँ रखा जाता है पैदा करने के बाद, साथ ही साथ कर्मचारियों के आवास तथा दस्तकारी के मंच, किसके दस्तकारी के मंच
मंच के रूप में किया गया। दस्तकारी के रूप में, दस्तकारी के मंच के रूप में किया गया। साथियों हड़प्पा में कुछ किले प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, कुछ किले प्राप्त ही हुए हैं साथियों। उन किलों की अगर पहचान की बात किया जाए तो अन्नागार के रूप में, अर्थात जहाँ पे अन्न पैदा करने के बाद रखा जाता है अच्छे से, उसके बाद कुछ वहाँ पे कर्मचारियों के आवास के रूप में किले प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ कुछ साथियों दस्तकारी के मंच भी वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। किसके मंच? दस्तकारी के कुछ मंच भी वहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी की इसी में बात करें साथियों, तो एक और जानकारी है कि शंख बना बैल, क्या शंख का बना बैल, यहाँ और कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं साथियों। क्या बना है कि शंख का बना बैल, क्या क्या प्राप्त हुआ? शंख का बना बैल, साथ ही साथ साथियों यहाँ प्राप्त क्या हुआ, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, और अगर बात करें साथियों तो पीतल का बना इक्का, पीतल का बना इक्का, साथ ही साथ साथियों ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, और अगर बात करें साथियों तो गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। किसके? गेहूं तथा जौ के, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। सिंधु सभ्यता में अभिलेख की अगर बात करें, अभिलेख युक्त मुहर, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। कहाँ? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक साथियों, क्या सिंधु सभ्यता में कैसी अभिलेख युक्त मोहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? सबसे ज़्यादा हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक साथियों, तो ये साथियों हम लोगों की हिस्ट्री की क्लास हुआ करती थी, जिसे कि हम लोग मानव जीवन का विकास कहाँ से, मानव जीवन का विकास साथियों प्रारंभिक समाज से नगर तक किस प्रकार से हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल साथियों हम लोग हड़प्पा कालीन स्थलों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और कोशिश रहेगी कल इस चैप्टर को समाप्त कर दें अगर हो जाएगा तो, उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, आप लोग एक एक पॉइंट, सारी चीज़ें फैक्ट हैं, फैक्ट ही मैं यहाँ पर लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में यही हिस्ट्री वगैरह से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो खुद समझ में आएगा। ठीक, दूसरी चीज़ यह है कि आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई अपनी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ एक एक चीज़ें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ, साथ ही साथ समझा भी रहा हूँ। मैं
मैं जो है आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात मानते होंगे और अपनी नोट्स को भी आप लोग प्रिपेयर करते होंगे। साथ ही साथ साथियों, आप सभी लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जो भी आपकी सोशल मीडिया पेज है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, कहीं भी जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया पेज है, प्रत्येक जगह आप लोग इन सारी क्लासों को, जो कि बाल विकास की क्लास आपके चैनल पर चल रही है, हिंदी की क्लास आपके चैनल पर चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, हिस्ट्री की चली रही है, एक सुबह सुबह क्लास जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम को लेकर इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो कि करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, इन सभी प्रत्येक क्लासों को साथियों आप लोग प्रत्येक जगह शेयर किया करिए, जिससे आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक, प्रत्येक उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिन्हें ऐसे यूट्यूब चैनल की ज़रूरत है। और साथ ही साथ साथियों, आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर आप को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को लाइक भी करिए, और अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉरी हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए और वहां से आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हर हाल में दिया करिए, ज़रूर दिया करिए। ठीक साथियों, कोई सुझाव है आप लोगों का तो भी आप हमें सुझाव देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, तो क्लास को ठीक है ओवर करता हूं। उसके बाद अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या तो और जो साथियों एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है फिर, क्लास को आप लोग रेगुलर लिया करिए, पर डे आप लोगों की क्लासें होती हैं, और क्लास को ओवर करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।